सुजानगढ़ में गर्मी का मौसम शुरू होते ही पेयजल किल्लत से आम लोग परेशान होने लगे हैं। बोधलाई रोड स्थित रानियों में रहने वाली महिलाएं उपखंड कार्यालय पर पहुंची और कॉमरेड राम नारायण रुलानिया के नेतृत्व में मटका फोड़ प्रदर्शन किया। इस दौरान नायकों की ढाणियों से आई महिलाओं ने बताया कि करीब 8 महीने से पीने का पानी नहीं मिल रहा है और प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है, इसलिए आज में मजबूर होकर मटका फोड़ प्रदर्शन करना पड़ा है। श्री मूलचंद लुनिया ने जल्द समस्या समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि बच्चे नहा नहीं पाते, पशुधन के लिए पानी का संकट खड़ा हो गया, हमारा समाधान किया था। वहीं एडवोकेट बनवारीलाल बिजाणिया, मुमताज काजी देवराज ढाणियों से, रुकमा देवी, मोहनी देवी, एडवोकेट गंगाधर मुंड, देवाराम, मुनाराम, भोलूराम, रामेश्वरलाल, भगवानाराम, सांवरमल, बिदामी, लिचमा कांता, सरली जेठी, कमला संतोष, सोनाराम, हजरराम, देवाराम, कृष्णलाल सरंग, मोहन लाल मेघवाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। एसडीएम को ज्ञापन सौंपते वक्त महिलाओं ने खाली मटके फोड़ कर अपना आक्रोश जाहिर किया। महिलाओं ने बताया कि 1000 रुपये पानी के टैंकर के लगते हैं और पानी का टैंकर डलवाया जाना हमारे बस की बात नहीं है। माना पानी का 8 महीना बड़ी दिक्कत होगी, मगर धन मर गयो, गया भैंसा मेह चरावा और ना बकरिया मैं रखा, बच्चा भी तीसरा मरिया, बांग को कहीं धन को कहीं धूल होगी। मैं 8 महीना आग था अड़ाया, देख लो अब थे क्या जच्चा है। अब राज कहीं चाहो थे, मैं राज उठाऊ पहली बार पानी लेने अटाऊ ले नलको अटाऊ, एक दियाली का खोलिया सप्पा जो मैं खोल दिया एक दिन मैं बैठाया, वे क्यों के थे बढ़ जाओ आज आकर आग तड़ाया। पानी की है, पानी बिने तीसरे मरे टबरे 1000 रुपये लगे टैंकर का, मजदूर है जगह 700 रुपये लिया, 500 लिया, मामा टबर खावे पानी गल है, मारा टबर तीसरे मरे मारी डानी 5 डानी है जगह का मान थे कने से आयो को आज तक 10 डानी है नायका की जगह का मान बत्ती दूर नाल आई आई है भाई ने तो बंद कर दी और मारी डाने जगह थोड़ी सी किया दूर है जगह कमान है, मीटिंग कर ली मारी डाणी कमान है, सब काम कर लिया है, बहुत ले लिया बैठ गया अपन माने तो पानी कौन दियो, मारा टापर ने टैंकर गला 3 कुंडे जगह कमान यूं बेसी काम हुआ है। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव जेगणिया के पास देर रात को हुए सड़क हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। जानकारी के अनुसार गांव जेगणिया और जोगलिया के बीच 2 बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में घायल हुए 5 लोगों को 108 एम्बुलेंस व एक निजी कार के जरिए राजकीय पगड़ी अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ पर घायल महिला इंदिरा, रामेश्वर मेघवाल निवासी चारणवासी, जयराम, मेगाराम, बाजाराम नायक निवासी गण पांडोराय बास छापर का उपचार किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को सीकर जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलने पर छापर पुलिस भी मौके पर पहुंची, वहीं टीम हारे कसारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार भागीरथ सहित अन्य लोगों ने घायलों को इमरजेंसी तक पहुंचाने में सहयोग किया। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव लोडसर के पास हुए सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार महेंद्र सिंह चौहान निवासी प्रगति नगर सीकर से वापस बाइक के जरिए आ रहे थे, तभी लोडसर गांव के पास निजी बस ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। वही सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को टीम हारे का सहारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार नवरतन बिजाणे आदि लोगों की सहायता से राजकीय पगड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई को अंजाम देगी।